रादौर के गांव जुब्बल में बोले इनेलो नेता अभय चौटाला, कहा दलाल खाप कृषि मंत्री जेपी दलाल को करे समाज से बाहर। कृषि मंत्री द्वारा किसानों पर विवादित बयान का मामला तूर पकड़ता जा रहा है। आज रादौर के गांव जुब्बल में आयोजित किए गए इनेलो के किसान मजदूर जन जागरण अभियान में भाग लेने पहुंचे पूर्व विधायक व इनेलो नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा किसानों पर की गई विवादित टिप्पणी पर जमकर बरसे। कृषि मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति समाज व किसानी के ऊपर कलंक है। अभय चौटाला ने कहा कि वह दलाल खाप से आग्रह करेंगे कि वह जेपी दलाल को समाज से बाहर निकालने की पहल करे। वही विधानसभा में पहुंचने पर भी सभी पक्ष व विपक्ष के सदस्य जिन्होंने किसान के घर जन्म लिया है इसको गो बैक के नारे लगाए और जब तक वह कान पकड़कर माफी न मांगे इसे माफ नहीं करना चाहिए। हमारे हरियाणा के जो दलाल खाप है उसको आग्रह करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को अपने समाज में से निकालने की पहल करो। ये समाज के ऊपर भी कलंक है, ये किसानी पे जहां कलंक है वहां अपने समाज में जिसमें पैदा हुआ है उसमें भी एक कलंक के रूप में है। मैं उनसे भी कहूंगा और मैं जितने विधानसभा के सदस्य हैं चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे वो आज विपक्ष के हैं, अगर किसी ने किसान के घर में जन्म लिया है तो विधानसभा के सत्र में जब ये आदमी एंट्री करे तो इसके गो बैक के नारे लगा करके इसको बाहर करना चाहिए। रादौर के चोटाबास में सड़क के बीचों बीच पलटी भूसे से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली कई घंटे हाईवे पर रही जाम की स्थिति। रादौर के चोटाबास में रविवार को सहारनपुर कुरुक्षेत्र मार्ग पर भूसे से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली एक ट्रक द्वारा ओवरटेक करते समय अचानक सड़क के बीचों बीच पलट गई। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ट्रॉली पलट जाने के कारण हाईवे एक साइड से बंद होने के कारण कई घंटे तक हाईवे पर जाम की समस्या बनी रही। इस बारे जानकारी देते हुए ट्रॉली के चालक सलमान ने बताया कि वे करनाल की इंद्री अनाज मंडी से फसल का कबाड़ लेकर सहारनपुर जा रहा था। जैसे ही वह छोटा मास के पास पहुंचा तो तेज गति से ट्रक चलाते हुए चालक ने ओवरटेक करते समय उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली को साइड से टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क के बीचों बीच ही पलट गई। सड़क पर ट्रॉली पलट जाने के कारण कई घंटे हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। रादौर में अवर्धन नहर के नवीनीकरण पर खर्च होंगे करीब 325 करोड़, 3200 से बढ़ाकर क्षमता भी होगी 6000 क्यूसिक। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल कार्यकाल के दौरान 70 के दशक में बनाई गई अवर्धन नहर के नवीनीकरण को लेकर कार्य शुरू हो चुका है। अवर्धन नहर करनाल सिंचाई विभाग के अधीन आती है। सिंचाई विभाग के SDO नितिन कुमार का कहना है कि अवर्धन नहर के नवीनीकरण का प्रोजेक्ट करीब 325 करोड़ रुपए का है। अवर्धन नहर के किनारे खस्ता हाल होने के चलते मौजूदा समय में नहर में 3200 क्यूसिक पानी ही बह रहा है, जबकि पहले इसमें 4500 क्यूसिक पानी बहता था। इसकी क्षमता बढ़ाकर अब 6000 क्यूसिक की जाएगी। वहीं इस दौरान इसके ऊपर बने करीब 70 पुलों का भी दोबारा नवीनीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अवर्धन नहर के करीब 76 किलोमीटर का यमुनानगर से करनाल के कस्बा गरुंडा के पिचोलिया गाँव तक नवीनीकरण किया जाएगा। रादौर के गुमथला गांव में स्थित इंकला मंदिर में पुलवामा शहीदों की याद में दीपमाला कर दी गई श्रद्धांजलि। रादौर के गांव गुमथला स्थित देश के अमर शहीदों की याद में बनाए गए इंकला मंदिर में पुलवामा शहीदों की याद में आज अल सुबह दीपमाला कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर इंकला मंदिर के संस्थापक एडवोकेट बिराम सिंह ने इंकला टीम के सदस्यों के साथ शहीदों की प्रतिमाओं पर व भारत माता की प्रतिमा पर दीपमाला की। इस मौके पर एडवोकेट बिराम सिंह ने कहा कि आज हम वीर शहीदों की कुर्बानियों की बदौलत ही सुरक्षित और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें वीर शहीदों की शहादत कुर्बानियों व त्याग को हमेशा याद कर उन्हें नमन करना चाहिए। रादौर के आदि क्षेत्रपाल नगर खेड़ा पर किया गया वार्षिक भंडारे का आयोजन। रादौर में श्री आदि क्षेत्रपाल नगर खेड़े पर रविवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे से पूर्व स्थानीय लोगों ने हवन यज्ञ में आहुति डालकर सभी के लिए मंगल कामना की। आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए पुजारी शुभम शर्मा ने बताया कि श्री आदि क्षेत्रपाल में आस्था रखने वाले श्रद्धालु हर वर्ष अपने कृषि व्यवसाय व्यापार पशुधन परिवार शिक्षा आदि को लेकर वार्षिक भंडारे का आयोजन करते हैं। उन्होंने बताया कि भंडारे में स्थानीय लोग तन मन धन से पूरा सहयोग करते हैं।